सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इम्पोर्टेंट बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी के बात कर रहे हैं, तो इससे पहले सोशल साइंस के टोटल 110 क्वेश्चन जो है हम दो पार्ट में जो है वो बात कर चुके हैं। अगर वो पिछले वीडियो आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में आई बटन में भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो अगर वो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उस वीडियो में जो है वो नहीं शामिल हो पाए थे, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो आपने थंबनेल पर बुक देखी थी उसके टोटल 86 क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उन सभी को जो है हम आज के इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा कि दीन-ए-इलाही 1582 जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो दीन-ए-इलाही जो है 1582 में आया था, यहां से आपको एक क्वेश्चन ये भी पता चल रहा है, डायरेक्ट जो है वो सन भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी। तो दीन-ए-इलाही है ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट जो अकबर है इसके द्वारा समरूप एक समरूप जो है वो धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के जो मूल तत्व थे उनको अपनाया गया था या कह सकते हैं शामिल किया गया था। इसमें प्रमुखता जो है वो हिंदू और इस्लाम जो है वो धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन और ईसाई धर्म के भी जो मूल विचार थे उनको भी सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर टू कि जजिया कर समाप्त किया गया था। तो जजिया कर होता क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह बनती है। तो इस्लामी जो कानून होता है उसके तहत जो जजिया है वो एक प्रति व्यक्ति कर होता है, जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुष नागरिक पर जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं उस पर लगाया जाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जजिया कर समाप्त किया गया था, तो जजिया कर जो है वो समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। 1564 में जो है जजिया कर को अकबर ने राजस्थान से जो है वो हटा दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर तीन है कि बाबरनामा जो है वो किसकी प्रमुख कृति है। तो बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर है अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है ये पूछी भी जाती है। हुमायूनामा जो है किसकी कृति है, हुमायूनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। सेपरेट वीडियोस में जो है इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बार बार हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि मुगल वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। तो कौन था, ये जो है बाबर था, ये आपको पता होना चाहिए। BHAJSA भाजशाह, ये अगर आपको पता है तो मुगल वंश के जितने शासक हैं आप उनको याद कर सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये जो है एक आप वर्ड जो है वो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात है हमारा कि ताजमहल एवं लाल किला का निर्माण कराया गया था। तो ये जो है वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था, आप सभी जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आठ है कि आईने अकबरी किसकी रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, तो ये जो है वो अबुल फजल के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा कि मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है वो कौन था। तो ये जो है वो तानसेन था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि रामचरित के रचनाकार कौन थे। तो रामचरितमानस के रचनाकार जो है वो गोस्वामी तुलसीदास थे, और काफ़ी लोग जो है इसको वाल्मीकि भी समझ लेते हैं। तो वाल्मीकि जो है वो रामायण के जो है वो रचनाकार थे। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि रामायण और जो रामचरितमानस है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो रामायण है ये जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, ये एक संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। और इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए, जब हमने वाल्मीकि की बात की गई है तो वाल्मीकि जो है इन्हीं को जो है वो आदि कवि की संज्ञा भी दी जाती है। आदि कवि से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन जो है वो हिंदी में जो है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो किसने कराया था। तो ये जो है वो अकबर के द्वारा कराया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि अकबर का सेनापति जो है वो कौन था। तो ये जो है वो मानसिंह था। और इसके अलावा जो टोडरमल है इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता था। तो टोडरमल की बात करें तो टोडरमल जो है वो मुगल बादशाह जो अकबर है इसके नवरत्नों में से एक था। टोडरमल का जो जन्म है वो लहरपुर में हुआ था, ये सीतापुर जिले में जो है वो स्थित है। अकबर के समय में प्रारंभ हुई जो भूमि पैमाइश है उसका आयोजन जो है वो टोडरमल के द्वारा ही किया जाता था। तो ये तो हो गई बात इसके बारे में। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है। तो ये जो है वो बुलंद दरवाजा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो जो है वो ये अकबर के द्वारा की गई थी 1571 में।
अगला प्रश्न है 15 के मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो अभी हमने भाजी साहब को वर्ड लिख के दिखाया तो बी जो है सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले जो आएगा जाहिर सी बात है उसी ने जो है जो स्थापना है वंश की होगी, यानी कि बाबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि तुझके बाबरी किसकी कृति है, तो ये भी काफी बार पूछी जाती है, ये जो है वो बाबर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था ये जो है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी का हुआ था, किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, ये भी जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये भी साथ में आप जान लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 18 है हमारा कि आना सिक्के का प्रचलन जो है वो किसने करवाया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, ये जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो कब और किसके बीच हुआ था, तो तृतीय युद्ध जो है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 और 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और बात करें किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहाँ पर हमने आपको जो सेपरेट वीडियोस में बात की थी वहाँ पर हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, उससे आप बाबर के जो चारों युद्ध हैं वो याद कर सकते हैं। सोशल साइंस वाली प्लेलिस्ट में आपको बाबर पर जो है सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हमने जान लिया, पहला युद्ध भी जान लिया, दूसरा युद्ध जो है कब और किसके किसके मध्य हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, हम ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जान लीजिए पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब और किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में जो है टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 8 सदस्य जो है वो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में थे। अगला प्रश्न है हमारा 21 की शिवाजी जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, ये जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और बात करें थोड़ा सा शिवाजी के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो 1630 में जो है वो शिवनेरी में हुआ था, मृत्यु जो है इनकी 1680 में रायगढ़ फोर्ट में हुई थी। बात करें इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम था शिवाजी भोसले। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पद नाम बताइए, तो क्या है पद नाम, ये जो है वो पेशवा होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिवाजी का जो है वो राज्यारोहण जो है वो कब हुआ था, तो इनका राज्यारोहण जो है वो 1674 में रायगढ़ में जो है वो हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए, तो मुगलों की सेना व्यवस्था जो है वो मनसबदारी पद्धति कहलाती है। मनसबदारी काफी बार पूछा जाता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने जो है वो प्रारंभ किया था। और मनसब जो है वो मूलतः अरबी भाषा जो है उसका शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द जो है वो शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता है। सभी सैन्य तथा असैन्य जो अधिकारी हैं उनकी मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग जो है वो हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था, तो खालिसा जो है इसको खालसा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। खालसा भूमि जो है वो मुगल कालीन समय में वह भूमि होती थी जिसकी जो आय है वो बादशाह के लिए जो है सुरक्षित रखी जाती थी। ये जो भूमि होती है वो सीधे जो है वो सुल्तान के नियंत्रण में रहती थी। अगर भूमि कर विभाजन की बात करें तो टोटल जो मुगल साम्राज्य है उसमें जो भूमि होती थी या समस्त जो भूमि होती थी वो टोटल 3 वर्गों में विभक्त थी। पहली थी हमारी खालसा भूमि, दूसरी थी हमारी जागीर भूमि और तीसरी थी हमारी सयुर्गल भूमि। थोड़ा सा बात करें खालसा भूमि के बारे में क्योंकि हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो खालसा भूमि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली खालसा भूमि से जो प्राप्त आय है वो शाही कोष में जमा कर दी जाती थी और इस आय का जो उपयोग है वो व्यक्तिगत खर्च पर या शाही परिवार है वो राजा के जैसे कि अंगरक्षक है, निजी सैनिक है, युद्ध की तैयारी आदि पर जो है वो किया जाता था। अगर इससे रिलेटेड आप ऑप्शन देखेंगे तो वह भूमि जिसका स्वामी स्वयं सम्राट होता था ये भी आपका उत्तर जो है इससे मिलता जुलता है। इसके अलावा वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाता है इससे भी थोड़ा बहुत आपका ऑप्शन मिलता जुलता है। तो दोनों ही ऑप्शन अपनी जगह सही है, आप जो है अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो है वो कौन था, तो कौन था ये जो है वो मंसूर जो है वो था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये जो है वो संभाजी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी, तो किसकी थी ये जो है वो जहांगीर की थी। और जो जहांगीर है इन्हीं के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी जो है वो कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी, तो ये जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाज़ों का मालिक था वो कौन था, तो वो जो है वो मीर जुमला जो है वो था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था ये जो है वो 1540 और इसके साथ साथ डेट की बात करें तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बात करें अगर किसके किसके बीच में, तो शेर खां और हुमायूं के बीच में जो है कन्नौज या जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उसका युद्ध हुआ था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि लॉर्ड वेलेजली ने जो पेशवा हैं उनके साथ कौन सी सहायक संधि की थी, तो ये जो है वो बेसिन की संधि जो है वो की थी। अगला प्रश्न है हमारा 35 की बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, पहले हमने ऊपर जाना वॉरेन हेस्टिंग्स थे और अंतिम जो है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो अंतिम और पहले दोनों ही आपको एक साथ यहां से पता चल गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है पिंडारियों के उन्मूलन का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो सबसे पहले जानते हैं पिंडारी कौन होते हैं, तो दक्षिण भारत है उसके जो युद्ध प्रिय पठान सवार होते थे उनको हम पिंडारियों के नाम से जानते थे। पिंडारियों के उन्मूलन यानी कि उनको नष्ट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जो है वो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि गार्डन सिटी जो है वो क्या है, तो ये जो है वो यूएसए को जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है, तो कौन सा है, तो ये जो है वो सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये जो है वो वाइकिंग अंतरिक्ष यान था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा बात पूछा गया होता तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, देखिए अभी हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो कौन सा है, ये जो है वो प्रशांत महासागर है। अगर पूछा होता सबसे गहरा महासागर तो भी जो है हमारा प्रशांत महासागर ही हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि विश्व का सबसे बड़ा नहर जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो स्वेज नहर होती है। और अगर पूछा होता सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो जो है वो कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में स्थित है वो हो जाती। अगर पूछा होता कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है विश्व के स्तर पर, तो जो है वो डी नदी हो जाती। डी नदी जो है, तो ये जो है वो सबसे लंबी जो है वो सहायक नदी है जो कि यूएसए में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग हैं, तो ये जो है टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला अंग होता है हमारा सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा अंग होता है हमारा महासभा, चौथा अंग होता है हमारा सचिवालय, पांचवा अंग होता है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठा अंग होता है हमारा न्यायसिता परिषद। तो ये सभी 6 जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंग है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग बांटे गए इनका वर्क क्या होता है, आखिर इनको क्यों बांटा गया है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जो है बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व की जो जन्नत है वो किसको कहा जाता है, तो वो जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूर्योदय का देश जो है वो किसको कहा जाता है, तो वो जो है जापान को जो है वो कहा जाता है। और उगते सूरज का देश भी जो है वो जापान को कहा जाता है। इस टाइप से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि 7 टापुओं का नगर जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये जो है वो मुंबई को कहा जाता है। और अगर बात करें कि कौन कौन से ये 7 टापू होते हैं, तो वो भी हम आप जाको बता देते हैं। पहला हमारा होता है माहिम, दूसरा होता है हमारा वर्ली, तीसरा होता है हमारा परेल, चौथा होता है हमारा मंझगांव, पाँचवा होता है हमारा बम्बई, छठा होता है हमारा लिटिल कोलावा और सातवा होता है हमारा कोलावा। तो ये 7 जो है जो टापू हैं इन्हीं के कारण जो है जो मुंबई है उसको 7 टापुओं का नगर जो है वो कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कि एशिया का पेरिस है, तो एशिया का पेरिस जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि मेरियाना गर्त का संबंध किससे है, तो ये जो है वो प्रशांत महासागर से रिलेटेड
रिलेटेड होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश जो है वो कौन सा है, तो ये जो है वो भारत देश जो है वो है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा है, तो ये जो है वो यूएसए को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है कि देश में आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहां पर कि देश में आपातकाल की जो घोषणा है यानी कि भारत देश में अब तक कितनी बार जो है वो की जा चुकी है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है, तो कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करके इसका भी उत्तर बताना है कि देश में आपातकाल की घोषणा जो है अब तक कितनी बार की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है तो कितनी है, ये जो है वो 552 है। अगर पूछा जाए वर्तमान में जो है वो कितनी है, तो ये जो है वो 545 सदस्य जो है वो लोकसभा में है, और इन जो 545 सदस्य हैं इसमें से जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, जिनको हम एंग्लो इंडियन समुदाय के नाम से जानते हैं। बात करें लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो ये जो है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका जो पदेन सभापति होता है वो हमारा जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो ये लोकसभा है ये संसद का निम्न सदन होता है, उच्च सदन जो है हम राज्यसभा को कहते हैं। और इसके साथ साथ जो इनके सदस्य होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु है उससे भी रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है वो 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु जो है वो रखी गई है। और एक और लास्ट पॉइंट वो ये कि धन विधेयक प्रस्तुत जो है वो लोकसभा में जो है वो किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है, तो ये जो है वो टोटल 250 जो है वो रखी गई है। अधिकतम संख्या की यहां पर बात की जा रही है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी है, तो ये जो है वो 245 सदस्य जो है वो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 233 सदस्य जो है वो सदस्य निर्वाचित सदस्यों में आते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वो जो है वो 6 वर्ष का जो है वो होता है, और सदस्यों की न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो वो जो है वो 30 वर्ष जो है वो होती है। और जैसे हमने ऊपर बताया था कि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा सकें, तो प्लीज और प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर जो है वो नहीं है, आपको बताना है तो कौन सा नहीं है, ये जो है वो मनोरंजन कर नहीं है, बाकी भूमि कर, आय कर और निगम कर जो है ये तीनों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, जबकि मनोरंजन कर ये हमारा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है वो आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो ये जो है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया, सेम वही क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, और ये भी क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल और केवल जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन बताया सेम जो है यहां पर पूछ भी लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन प्रमाणित करता है, ये भी काफी बार कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ये जो है वो 12 सदस्य जो है वो मनोनीत करते हैं राज्यसभा से। टोटल सदस्य हमारे होते हैं वर्तमान के हिसाब से 245, अधिकतम सदस्य होते हैं 250, और 233 सदस्य उसमें से निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के जो है वो कहां जाता है, तो ये जो है वो राज्यसभा में जाता है। अब लोकसभा में पारित हो गया तो जाहिर सी बात है उच्च सदन में जो है वो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कितनी से कितनी है। तो ये जो है वो 2012 से 2017 तक जो है वो थी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहां स्थित है। तो ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कि सहारा मरुस्थल जो है वो स्थित है। तो कहां स्थित है, ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यही सेम क्वेश्चन जो हमारा अपोजिट करके पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो वो जो है वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है कि दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहां खोला गया है। तो ये जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है वो खोला गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा कि पृथ्वी के कितने भाग पर जो है वो जल है। तो टोटल 3/4 भाग पर जल है। अगला प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी का कितने भाग पर स्थल है। जब 3/4 भाग पर जल है तो जाहिर सी बात है बाकी बचा जो भाग यानी कि 1/4 भाग उस पर जो है वो स्थल हो जाएगा। इसलिए 1/4 भाग जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि कंगारू जो है वो किस महाद्वीप पे पाए जाते हैं। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि अंध महाद्वीप जो है किसको कहा जाता है। तो ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को जो है वो जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो टोटल 22 भाषाओं का जो है वो उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के संसद से व्यक्त होता है तो क्या व्यक्त होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो है हमारी टोटल संसद को जो है वो परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है कि महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है कि संघ सूची में कितने विषय जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो टोटल 97 जो है वो संघ सूची में विषय सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है कि राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो टोटल 66 जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित किए गए हैं। और इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो टोटल जो है वो 47 विषय जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। यहां से जो है वो तीनों एक साथ लिखे हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया। तो इसको जो है वो समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, उसमें जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो ये जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर बात करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है कि संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं। तो ये जो है वो लोकसभा कहते हैं, हमने ऊपर ही आपको बताया, और उच्च सदन को जो है हम राज्यसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कि रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो ये जो है वो मुंबई में स्थित है। बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो का, 86 की, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन तय करता है। तो ये जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो तय किया जाता है। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन जो है इस बुक के समाप्त होते हैं, और इसी के साथ सोशल साइंस के भी सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी उत्तरी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।